ला 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 हो। तो फ्रेंड्स सुबह का टाइम था, बिल्कुल सुबह सुबह का। तो फ्रेंड्स मैं जा रहा था अपने घर सोने के लिए, क्योंकि मेरी जी नाइट शिफ्ट। तो फ्रेंड्स ये है मेरा घर, गैराज टाइप। तो मैं इसी घर में रहता हूँ क्योंकि ये मेरा घर है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने पार्क लगा दी अपनी कार और मैं अंदर जा रहा था। ये मेरा शटर है। फिर मेरे को एक याद आया कि आज तो मेरे दोस्त का बर्थडे है। तो फिर मैंने अपना फ़ोन निकाला और नंबर डायल करा अपने दोस्त का। तो फ्रेंड्स मैंने नंबर डायल किया जैसे ही, तो मैंने लगा दी कॉल। तो कॉल लगाने के बाद भाई पता लगता है कि कॉल तो भाई आ रही है बिजी। तो मैं एक बार फिर से ट्राई करता हूँ, क्या पता इस बार लग जाए। कई बार फ़ोन बाहर रखा होता है और बंदा ना आ रहा होता है। तो फ्रेंड्स इस बार भी बिज़ी आया। तो फिर मैंने सोचा कि मैं उसके घर चला जाता हूँ डायरेक्ट, क्योंकि उसका घर बिल्कुल पास में ही है। तो फिर मैं अपनी कार में आया और मैं बैठा। और फ्रेंड्स मैं सोच रहा था कि क्या उसके लिए मैं गिफ्ट लेके जाऊं। सोचते सोचते मैंने अपनी कार को स्टार्ट किया और फिर मैंने कार को घुमा लिया। और अभी चलते हैं भाई उसके घर पे और फिर उसको करेंगे विश हैप्पी बर्थडे। तो फ्रेंड्स मेरा दोस्त का घर ज़्यादा अच्छा नहीं है, वो बिल्कुल ही मतलब नॉर्मल सा है, और नॉर्मल भी नहीं कह सकते, मतलब वो झुग्गी में रहता है एक टाइप से। और तो है तो मेरा दोस्त बचपन का। तो फ्रेंड्स मैंने तो ले ली थोड़ी कार, पैसे वैसे कमाने लग गया था तो मेरे पास है कार। तो फ्रेंड्स मैं देख रहा हूँ कि ये उसकी गली में भाई बहुत बड़े बड़े मकान बन गए हैं, और फ्रेंड्स ये बहुत बड़े बड़े घर बन गए हैं। और यहाँ पे उसकी झुग्गी हुआ करती थी, पर अभी मैं देख रहा हूँ भाई ये तो बंगला बन रखा है, अंदर गाड़ी भी खड़ी है। तो फ्रेंड्स पता नहीं यार, क्या पता वो यहाँ से चला गया हो, या क्या पता क्या ये उसी का घर है। तो फिर मैंने सोचते सोचते अपनी कार को यहाँ पे पार्क कर दिया। मैं आया अपनी कार से बाहर और फिर मैं चलते गया। मैं सोचते गया यार ये उसका ही घर है, ये उसी की गली है, लेकिन मैं कहीं गलत तो नहीं आ गया। फिर मैं देखा कि वो तो अंदर खड़ा है और अपनी कार के आगे खड़ा है। देखता हूँ भाई ये, अरे भाई साहब ये तो सूट बूट पहन के खड़ा भाई। अरे वाह पीछे कार देखो भाई, पूरी एकदम स्पोर्ट्स कार, सुपर है ये। और फ्रेंड्स ये बहुत महंगी आती है। और फ्रेंड्स ये देखो भाई, ये तो अकड़ के बात कर रहा है। तो मैंने इसको बोला हेलो, तो फ्रेंड्स ये बोलने लगा अरे कौन है तू। तो फ्रेंड्स ये पार्टी करते करते अंदर चला गया भाई, नाचते नाचते बिल्कुल अंदर जा रहा है। तो फ्रेंड्स मैं भी चला गया, क्यों भी मेरा दोस्त है वो क्या पता मजाक कर रहा हो, और क्या पता सच में ये घर उसका हो और ये गाड़ी उसकी हो। तो फिर मैं अंदर चला गया और अंदर से भाई गाने की आवाज़ आ रही थी और बंदा यार यहाँ पे पार्टी कर रहा है भाई। ये बचपन का दोस्त है, मेरे को पहचान ही नहीं रहा है भाई, पैसे के आगे इसके पास ये तो भाई बिल्कुल पहचान नहीं रहा। और फ्रेंड्स ये बोल रहा है मेरे को कि यहाँ से चला जाओ, मेरी पार्टी मत ख़राब करो। दोस्त दोस्त ना रहा, और ये देख लो भाई एक लाइव एग्जांपल देख लो भाई, कैसे नाच रहे हैं ये सब लोग, और भाई कोई पूछ नहीं रहा है मेरे को। तो फ्रेंड्स ये मेरे को बोलता है चला मेरे पीछे, तेरे को मैं दिखाऊं। मैं वही झुग्गी में रहता था और वो झुग्गी अभी यहीं पे ही है, मैंने उस झुग्गी को कभी हटाया नहीं यहाँ से, और उस झुग्गी में मेरी स्पोर्ट्स कार रहती है। और ये बताने लगा कि जब भाई इसका बुरा वक्त चल रहा था तब इसने पैसे मांगे मेरे से और मैंने देने के लिए मना कर दिया। तो इसने सारी बात मेरे को बताई यहाँ पे। और फ्रेंड्स ये देख रहे हो, इसने उसी झुग्गी में भाई स्पोर्ट्स कार को खड़ा कर रखा है दिखाने के लिए कि भाई अब मैं अमीर हो गया हूँ, अब मैं वो वाला झुग्गी वाला नहीं रहा। तो फ्रेंड्स वैसे तो ये कबाड़ी था एक टाइम पे, बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो गया है ऐसा ये मेरे को बताने लगा। और बताते बताते भाई ये ले गया अपनी कार के पास और दिखाने लगा, देख भाई ये मैंने खरीदी अपने दम पे, और तूने क्या किया है, तेरे पास आज भी वही पुरानी कार है। और फ्रेंड्स ये मेरे को ऐसे बोलने लगा, मेरे को बहुत बुरा लगा। तो फिर मैं यहाँ से चला गया और ये भी अपनी पार्टी करने में लग गया। और मैं भाई बहुत गुस्सा हो गया था, मेरे को अब मेरे को इसको दिखाना पड़ेगा कि भाई मैं भी कम नहीं हूँ। और मैं चला गया भाई पैसे कमाने की तलाश में। अब मेरे मन में एक आग जल रही थी कि भाई कैसे पैसा कमाया जाए, और इससे बड़ा घर लेके दूंगा और इससे बड़ी गाड़ी लूँगा। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना भाई मार्केट जाया जाए और मार्केट में पता करते हैं कि भाई कोई जॉब है मेरे लायक। तो फिर मैं सोचते सोचते अपनी कार में आया और फिर मेरे को याद आया कि भाई मार्केट में मेरे चाचा की दुकान है। तो फिर मैं सोचा कि भाई अपने चाचा के पास चल के देखता हूँ, उनके कपड़ों की दुकान है, और फिर देखते भाई चाचा क्या कर रहे हैं भाई, चल के देखते हैं।
और मेरे को याद है कि मेरे चाचा की दुकान यहीं पे थी और ठेका यहाँ पे ठेके के बिल्कुल साइड में थी या उससे पहले थी, बस मेरे को ये ध्यान में नहीं आ रहा। तो फिर मैं अपनी कार को यहाँ पे पार्क करता हूँ, निकल जाता हूँ भाई नौकरी की तलाश में। और यहाँ पे मैं देखता हूँ कि भाई बहुत सारी दुकानें हैं और यहाँ पे लोग भी खड़े हैं। सबसे पहले तो भाई यहाँ पे ठेका बन रखा है, ठेका तो हमने जाना नहीं भाई। और उसके साइड में बन रखा भाई होटल, और उसके साइड में भाई मेरे चाचा की दुकान है कपड़े की। और भाई ये देखो चाचा क्या कर रहे हैं, देखते हैं। और चाचा क्या कर रहे हो? अरे भाई चाचा तो भाई नोट गिन रहे हैं। अरे क्या हाल है, बड़े दिनों बाद आए हो, चाचा की याद नहीं आती क्या? अरे नहीं चाचा, चाचा यार कोई काम है तो बताओ यार, मेरे को पैसे कमाने हैं बहुत सारे और मेरे को गाड़ी भी लेनी है। मैंने सारी बात चाचा को बता दी और चाचा ने मेरे को काम पे रख लिया। और कुछ दिन के बाद एक लड़की वहाँ आती है मटकते मटकते भाई बिल्कुल। अरे आज तो बहुत सारी शॉपिंग करूँगी और यहाँ पे भाई ये क्या क्या लोग पीते रहते हैं, छी छी छी। अरे यहाँ पे तो खाने की खुशबू आ रही है, पर अभी मेरे पास टाइम नहीं है, अभी मैं कपड़े सिलवाने आई हूँ। अंकल मेरे को कपड़े लेने हैं, मेरे को लड़कों वाली शर्ट लेनी है, मैं शर्ट में बिल्कुल, चाचा ने कहा। ओ जी हमारे यहाँ पे सारे तरह की शर्ट मिल जाती है, कपड़े सब तरह के मिलते हैं, लेडीज लो जेंट्स लो कोई से भी लो। बेटा दीदी को कपड़े दिखा दो। मैडम ये देखो यहाँ पे सारी शर्ट 5500 से स्टार्ट है, आपके बजट की नहीं है तो आप बाहर जा सकती हैं। पेवर तो ऐसे दिखाते हैं जैसे कि सोना बेच रहे हैं। आगे चले जाने तुझे भी बेच देंगे। ये कोई शक नहीं, मतलब बात करने की तमीज नहीं है तुम्हारे अंदर? अगर मेरे अंदर बात करने की तमीज होती तो मैं यहाँ कमीज बेच रहा होता। मैं इस मार्केट में बेकार ही आ गई। तुम मार्केट में नहीं, तुम दुनिया में ही बेकार आ गई। ये कोई शक नहीं, बजट दिया बस, और बेइज्जती नहीं करानी मेरे को, मैं जा रही हूँ। रे उंगली दिखाती है, निकल जा दुकान से, निकल जा, दिन नजर मत आइयो। भैया जी फिर देख लो एक बार और, अच्छे से दिखा के जाऊंगी अगली बार नहीं आऊंगी। तो 6 महीने काम करने के बाद मैंने इतने पैसे जमा कर लिए थे कि मैंने अपनी कार ले सकता हूँ और अपना घर ले सकता हूँ। तो मैं चला गया सीधा शोरूम, अपनी कार को बुक करवाया और वहीं से मैंने उसको बोल दिया भैया को कि भाई सीधा पहुंचा दे पिंटू की वर्कशॉप और वहां पे जाके वो मॉडिफाई करना चालू कर देगा और मेरे पास आ जाएगी डिलीवरी फटाफट। अपनी कार हो गई है रेडी, फटाफट से आपको दिखाता हूँ एक कैसी लग रही है लुक, फाइनल लुक। पहले मैं इसको यहाँ पे खड़ी कर देता हूँ, अभी देखो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये अपनी कार, फ्रेंड्स कमेंट करके जरूर से बताना कैसी लग रही है। और अगर यहाँ तक वीडियो देख ही रहे हो तो फ्रेंड्स लाइक कर दो इस वीडियो को, प्यारा सा कमेंट कर दो, और न्यू हो तो भाई सब्सक्राइब करके जाना, ऐसी वीडियो मैं लाता रहता हूँ। तो चलो भाई मिलते हैं अगले वीडियो में।